यहाँ पर हम सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला अध्यापिका का चित्र देख रहे हैं। उनका जन्मदिवस 3 जनवरी बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। बालिका दिवस इस पाठ की पढ़ाई करते हैं। पाठ का परिचय देखते हैं। महाराष्ट्र में कन्या शिक्षण के क्षेत्र में सावित्रीबाई फुले ने बहुत काम किया था। प्रतिवर्ष 3 जनवरी को उनका जन्मदिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पाठ में उसी के बारे में बताया गया है। पाठ की पढ़ाई करते हैं। सर्व बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए एकत्रित हुए हैं। एकत्रित यानी इकट्ठा। सब बच्चे दुर्वा के घर खेलने के लिए इकट्ठे हुए हैं। वहाँ चाची जी और बड़े भैया भी हैं। उसी समय उनके बीच जो वार्तालाप होता है उसे हम सुनते हैं। दुर्वा, सृष्टि, आज तो तुम बहुत ही बंठन कर आई हो। बंठन कर यानी सज धज कर, अच्छी वेशभूषा में। सृष्टि कहती है, आज 3 जनवरी बालिका दिवस है ना? प्राची कहती है, अरे हाँ, कल बहन जी ने बताया था कि सावित्रीबाई फुले का जन्मदिवस बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। चाची जी कहती हैं, सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम शिक्षिका मानी जाती हैं। प्रथम यानी पहली, शिक्षिका यानी अध्यापिका। अपने पति महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ मिलकर उन्होंने लड़कियों के लिए पुणे में पहली पाठशाला शुरू की थी। आज तो लगभग सभी लड़कियां पाठशाला जाती हैं। लगभग यानी करीब करीब। पढ़ाई लिखाई और अन्य क्षेत्रों में खूब आगे हैं। खूब यानी बहुत आगे हैं। अन्य यानी दूसरे। मंत्र कहता है, हाँ, आज समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, संगीत, प्रशासन, शोध कार्य, खेलकूद आदि हर क्षेत्र में लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। प्रशासन यानी राजकाज, शोध कार्य यानी खोजबीन, किसी विषय की गहरी जांच। सृष्टि कहती है, मेरी माँ बताती है कि शिक्षा में हमें स्वावलंबी और सजग बनाती है। स्वावलंबी यानी अपने आप पर भरोसा करने वाला। सजग यानी सावधान। भैया कहता है, कहा जाता है एक लड़की शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। परिवार यानी कुटुंब। प्राची, हाँ, इसीलिए हम सबको खूब मन लगाकर पढ़ना चाहिए। सभी कहते हैं, खूब पढ़ेंगे, खूब बढ़ेंगे। सब बच्चे कहते हैं कि हम सब पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे।